सिरोही जिले के आबू रोड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाटर वर्क्स में कार्यरत शिक्षक अमृत राम शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने स्कूल के गेट को अंदर से बंद कर लिया। गेट बंद होने के कारण बच्चों की स्कूल के बाहर भीड़ लग गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर नोडल अधिकारी योगेश कुमार मौके पर पहुंचे और उसे रवाना कर दिया। जानकारी के अनुसार आबू रोड शहर के आबकारी श्री वाटर वर्क्स प्राथमिक विद्यालय के पीछे कई दिनों से शिक्षक अमृत राम शराब के नशे में आता है। आज भी वो शराब के नशे में पहुंचा और स्कूल को बंद कर दिया। इस दौरान बच्चों को बाहर ही अंदर जाने से रोक दिया गया। बच्चों को बाहर खड़ा देखकर आसपास के लोग और स्थानीय पार्षद मगन दास चारण मौके पर पहुंचे और अंदर से दरवाजा को खोल बच्चों को स्कूल में प्रवेश किया। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। ऑफिसर मौके पर पहुंचे और शराब के नशे में धुत शिक्षक को वहां से रवाना किया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार दिनेश आचार्य आबू रोड थानाधिकारी अनिल कुमार स्कूल में पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचने के बाद लोगों को बताया कि वो तैनात शिक्षक राम आए दिन शराब के नशे में स्कूल में आता है, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल में मिड डे मील में भी सही प्रकार से खाना नहीं मिल रहा। तहसीलदार ने मौके पर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। ठीक है, सुबह लेट आता है और जल्दी दुकान आइए बढ़ा के चला जाता है, स्कूल बढ़ा के चला जाता है। आज तो इसने हदी कर दी, अरे बेटे दारू पी रहे, आधे बच्चे अंदर आधे बच्चे बाहर खड़े हैं, ताला लगा दे स्कूल के अंदर। बेटे हम ऊपर से कूद के आए, अंदर से देखा है दारू पिया हुआ था फुल। दारू कहाँ पीता है? दारू अंदर ही रूम में, साइड में, साइड में इसका रूम खाली पड़ा था, वही दारू पीता है। सरकारी टीचर है? सरकारी टीचर है ना।